आपने बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि जिस तरह से एक अभिभावक अपने पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के हर एक लोगों के लिए सिर्फ ये हमारा नारा नहीं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, बल्कि उस चीज को चरितार्थ करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और एक एक छोटे से छोटे मसले पर भी बहुत संजीदगी के साथ गंभीरता के साथ देश के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। और मैं फिर से हमारे आदरणीय मंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आज जो ये संसद, चूंकि मैं समझ रही हूँ समय की बाध्यता है, आज जो ये संशोधन लाया गया है मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि एक माँ है, एक बहन है और निश्चित रूप से एक जो संवेदनशीलता के साथ एक माँ के रूप में एक बहन के रूप में जो स्त्री का एक हमारा हमको एक ये स्वतः ये मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से उसको देखते हुए दृष्टिगत करते हुए आज ये संशोधन मुख्य रूप से तीन संशोधन जो इसमें आए हैं। एक तो गोद लेने की जो प्रक्रिया है, तो ये हम सब भी देखते आए हैं अपने क्षेत्र में भी और अन्य जगहों पे भी कई बार ऐसे हुआ। अभी तो हाल में कुछ दिन पूर्व ही हमारे एक क्षेत्र की ही घटना थी कि एक नवजात नदी किनारे वो पड़ा मिला एक दंपत्ति को, उनका बच्चे नहीं थे। एक डेढ़ महीने तक उस दंपत्ति ने बच्चे को रख के अपने पास रखा, किसी ने सूचना दी, क्योंकि विधिवत रूप से एडॉप्शन नहीं हुआ जिसके कारण उसे फिर बाल गृह में देना पड़ा। और आज भी ये लगातार हमें लगता है 3-4 महीने हो गए अभी तक उन्हें नहीं मिला। तो जब एक माँ के पास कोई, चाहे वो बच्चा अपना हो या पराया हो, जब कोई बच्चा उन्हें मिल जाता है तो माँ की ममता जागती है। और आप इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि उस दंपत्ति के साथ क्या बीतता होगा। और इसके साथ ही साथ तो ये बहुत ही अच्छा किया कि जो प्रक्रिया जटिल थी उस जटिल प्रक्रिया को खत्म करने का प्रयास इनके द्वारा हुआ है। और हमें लगता है कि अब जो गोद लेने की प्रक्रिया वो बिल्कुल सरल होगी और कम समय में कम दिनों में जो भी अभिभावक जो भी लेना चाहते हैं उन्हें बच्चे मिलेंगे। साथ ही साथ चूंकि हम सभी जानते हैं जो आज मुख्य रूप से किशोर बच्चों के लिए जो ये संशोधन है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो संशोधन विधेयक है, तो आज लगातार चूंकि निर्भया कांड के बाद से हम सभी देख रहे हैं कि जो स्थितियां हो रही है और हर एक राज्य में ये स्थितियां कमोबेश है, लगातार घटनाएं घटती जा रही है और छोटे बच्चे जिसे हम बच्चे कहते हैं, भी बहुत विस्तृत नवनीत जी ने भी कहा कि 16 साल 18 साल 15 साल के बच्चे सही मायने में आज देखें तो वो बहुत छोटे नहीं है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से वो इतने जागरूक हो जाते हैं कि इतने हीनियस क्राइम, इतने गलत तरीके से जिस तरह की ये घटनाएं होती है, दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही है, इससे निश्चित रूप से हर कोई हिल जाता है हृदय, हर किसी का इस घटना को देखने के बाद लोगों को ये लगता है कि इस तरह की घटनाएं, छोटे बच्चे जरूर है लेकिन इस तरह की घटना करते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो सात ये सजा का जो प्रावधान इन्होंने किया है कि 16 और 18 साल के बच्चों को सजा दिया जाए, तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही अच्छा एक डिसीजन है ताकि उस तरह घटना में अब संलिप्त होने वाले बच्चे को भी हमें लगता है कि अब इसका भय होगा। और कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि अभी के समय में जो एकल परिवार का भी है कि बच्चों के साथ जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, बच्चे जो घटित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एकल परिवार का भी ये है, कमी की वजह से भी हो रहा है कि जब परिवार के साथ रहते हैं तो उन्हें और अपने चाचा मामा ताई के साथ बात करने का भी अवसर मिलता है, और ऐसी स्थिति में अकेले रहने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से वो कुछ ना कुछ गलत रास्ते पे वो चले जाते हैं। और दूसरी बात कि मैं एक दो सुझाव के साथ, चूंकि मैं देख रही हूँ एक दो सुझाव के साथ हम खत्म करना चाहते हैं कि बाल कल्याण समिति में जो सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में माननीय मंत्री जी ने इस एक्ट में प्रावधान रखा है, ये बहुत ही अच्छा है। और चूंकि आज हम देखते हैं कि इस तरह की समितियों में
जब भी, क्योंकि बच्चे जब होते हैं और जब वो संप्रेषण गृह में बच्चे होते हैं, तो चाहे वो क्राइम करने वाले बच्चे हों या फिर जो बच्चे अगर क्राइम नहीं भी किए हुए हैं, जो बच्चे अनाथ हैं वैसे बच्चे भी रहते हैं, वैसी स्थिति में बच्चों की मनोस्थिति एक जगह रहने के बाद बिगड़ती है। और हमें लगता है कि मनोचिकित्सक बहुत ही आवश्यक है कि बच्चों का समय समय पर जाकर उनकी उनका काउंसलिंग हो, ताकि बच्चों के मन में क्या चल रहा है ये जानना भी हमें लगता है बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ ही साथ संवेदनशील, क्योंकि सदस्य अगर संवेदनशील होंगे तो न ही वो क्रूरता करेंगे और न ही किसी को क्रूरता करने की वो इजाजत भी देंगे और छूट भी देंगे। एक बस एक मिनट लेते हुए खत्म करना चाहते हैं तो, और इसके साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि कई, चूंकि हमारे यहाँ, हम अपने यहाँ की बात करना चाहूंगी कि जैसे बाल श्रमिक चिन्हित होते हैं, बाल श्रमिक आते हैं, बहुत समय संप्रेषण गृह में भी रखते हैं और बहुत समय उनके माता पिता को भी सौंप दिया जाता है। तो चूंकि इस बिल से थोड़ा सा हटके है, मैं ये आग्रह करना चाहूंगी कि वैसे बच्चों को भी, एक तो या तो उनको अगर हम रखते हैं तो उनके लिए कौशल विकास का भी, उसके स्किल डेवलपमेंट का भी हम विचार करें, उन्हें भी हम प्राथमिकता दें कि उसका अच्छे से देख रेख हो सके और वो कुछ कार्य कर सके, ताकि वो फिर से दोबारा उस रास्ते पे, उस जगह पे वो ना जाए। धन्यवाद।